अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है असील मुर्गों पर, कि असील मुर्गे को सोकड़ा है या फिर उसका वज़न बढ़ाना है आपने या मोटा ताज़ा करना है, तो आप ये बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के साथ रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना। तो दोस्तों, दो बहुत ही इजी चीज़ें हैं, ये आपको दुकान से भी मिल जाएंगी, आपने नोट कर लेनी है और इंशाल्लाह आपका मुर्गा ठीक भी हो जाएगा। तो दोस्तों चलता हूँ, मैं आपको मुर्गे को भी दिखाता हूँ कि मेरा मुर्गे को भी सोकड़े का मसला था, मैंने ये ट्रिक आजमाई और माशाल्लाह ठीक है आगे से, तो वो अब हेल्थी होने लग पड़ा है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी मेरा मुर्गा माशाल्लाह अब हेल्थी आगे से। तो ये पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, मैंने ये ट्रिक आजमाई और अब माशाल्लाह ठीक है आगे से। तो दोस्तों करना क्या है, आपने एक अंडा ले लेना है और 20 भुजे चने ले लेने हैं। अगर आपके पास एक मुर्गा है तो 20 लेने हैं, अगर दो हैं तो 40, इस तरह। अल्लाह ना करे कि आपके इतने ज़्यादा हों, लेकिन अगर हैं आपके पास तो इस तरह ही करना है आपने। तो आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, मिक्स करके मुर्गे को एक टाइम देना है और एक दिन छोड़ के 10 से 12 बार करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा अच्छे से अच्छा। दूसरे नंबर पर अगर आपके मुर्गे का वज़न बहुत ज़्यादा कम है तो आप ये दें और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते इस तरह तो आप इस तरह करें, अगर खाने में अगर आप कुछ भी डालते हैं दाने या कुछ भी, तो उसे छोड़ें, आप उसे आटा डाला करें। आटा इस तरह डालना है यानी कि ना ही इतना गूंदा हो ना ही इतना सूखा हुआ हो, यानी कि इस तरह डालना है कि इसकी पोट का मसला ना बन जाए। तो ये थी दो छोटी छोटी टिप्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा, तो आप ये ट्रिक आजमा कर देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके मुर्गे में। और मेरे भी, मैंने खुद जब इस तरह किया तो मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, क्योंकि पहले इसको बहुत ज़्यादा सोकड़े का मसला था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी दो टिप्स हैं, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है अगर आपके मुर्गे को है। वैसे अगर नहीं भी है तो आप मुर्गे को खाने में आटा ही डाला करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों जब से मुझे पता चला है तो मैं तो अभी इनको यही खुराक देता हूँ। तो ये मेरा पेयर है माशाल्लाह। ये थी आज की हमारी वीडियो, छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे दो तरीके, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुर्गे को क्या खिलाना चाहिए अगर सोकड़े का मसला हो या फिर वज़न बढ़ाना हो या फिर कमज़ोर हो मुर्गा। तो ये आप ट्राई करना। इजाज़त दें अपने भाई को। अल्लाह।